चाकू रूपा, विक्रम अक्रम को छुड़ा कर ले जा रही थी। मैंने अक्रम को गोली मार दी, लेकिन चाकू रूपा ने मुझे गोली मार दी। सरदार, चाकू रूपा को मैंने बंजारों की भेस से बंजारों की बस्ती में जाते हुए देखा है। हाँ सरदार, बंजारों की बस्ती में आग लगा दो। तुम्हारी माँ बहुत बुरी तरह जल गई हैं। इनकी स्किन ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी और उस पर काफी खर्च आ जाएगा। कितना खर्चा आएगा डॉक्टर साहब? कम से कम 15-20 हजार। 15-20 हजार? अरे जाना इसको, डाकू रूपा से इसका चेहरा बहुत मिलता जुलता है। डाकू, पीछे यार की डाकू, पकड़ो इसे, पकड़ो, 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 पकड़ो इसे, माँ की जान बच सकती है। क्या तुम डाकू? हाँ डॉक्टर साहब, मेरा कल का रूप कुछ और था और आज आप ये देख लीजिए, आपको यकीन आ जाएगा। ताज्जुब है, तुम्हारी शक्ल और सूरत और बातचीत से तो बिल्कुल नहीं लगता कि तुम एक खतरनाक डाकू हो। मेरे हालात ने मुझे डाकू बना दिया डॉक्टर साहब। जो भी मुझे जिंदा या मुर्दा पुलिस के हवाले करेगा उसे 20,000 रुपए का इनाम मिलेगा। मैं चाहती हूँ आप ये रुपए हासिल कर लें ताकि ताकि मेरी माँ का इलाज कर सके। ये क्या कह रही हो तुम? जानते हो कानून तुम्हें क्या सजा देगा? मौत। अगर मेरी मौत से मेरी माँ को जिंदगी मिलती है तो मैं हर जन्म में अपनी माँ के लिए मौत को गले लगा लूंगी। लेकिन बेटी, मैं एक डॉक्टर हूं, मरते हुए इंसानों को जिंदगी देने की कोशिश करता हूं। मेरा जमीर मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं जानबूझकर तुम्हें मौत के हवाले करूं। नहीं डॉक्टर साहब, आपको मेरी माँ की जिंदगी के लिए मेरी ये मदद करनी ही होगी। जल्दी कीजिए डॉक्टर साहब, वरना वक्त अपनी कीमत खो देगा। आपको बदल मरने की कसम।
मदर मेरी, ये किस आजमाइश में डाल दिया अपने बंदे को? प्लीज हेल्प मी मदर, हेल्प मी। आप भी कमाल करते हैं डॉक्टर साहब, इतनी खतरनाक डाकू का इतना आसान आत्मसमर्पण। आप मेरी बात का यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने भी आप ही की तरह एक जिम्मेदार अहदा संभाल रखा है। ठीक है, अगर आप ऐसा रूपा की बातों पर यकीन करते हैं तो मैं अभी कमिश्नर साहब से बात करता हूं कि कल चारमारी के मैदान में ठीक 11:30 बजे। जी सर, ये है डॉक्टर डिसूजा। हेलो सर। ठीक है, लेकिन डाकू रूपा कहाँ है? वो ठीक 11:30 पर यहां पहुंच जाएगी, टाइम तो हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने आपको और पुलिस को बेवकूफ बनाया हो? उसे पुलिस को बेवकूफ बनाकर क्या मिलेगा सर? डॉक्टर डिसूजा, जब उसने आपको यहां आने का वादा किया था उस वक्त वहां कोई मौजूद था? जी हाँ। कौन? मदर मैरी। आपने भी किस पे बात कर दिया डॉक्टर। डाकू की नजर में भगवान, खुदा, सन ऑफ गॉड, मदर मैरी, इन सब की कोई वैल्यू नहीं। भला जानबूझकर मौत के मुंह में कोई क्यों आएगा डॉक्टर? वो अच्छी तरह से जानती है कि उसके जुर्म की सजा फांसी है। गोली मत चलाइए। अगर उसने गोली चला दी तो? मुझ पर भरोसा रखिए कमिश्नर साहब, दूसरों के दुखों पर बलिदान होने वाले कभी किसी को धोखा नहीं दिया करते। डाकू रूपा, अपनी बंदूक फेंक दो। कमिश्नर साहब, पहले डॉक्टर डिसूजा को 20,000 की रकम अदा कर दी जाए। इंस्पेक्टर सिंह। यस सर। ये लीजिए 20,000 डॉक्टर डिसूजा को दो। रूपा, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मेरा आत्मसमर्पण? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मेरी समझ में आ गया विक्रम, मेरी दूध मां की वो बातें
जो उन्होंने मुझे आखिरी वक्त में कही थी। वाकई ये तस्वीर तुम्हारी जुड़वा बहन की है? हाँ विक्रम, अगर एक तरफ मेरी इज्जत के लुटेरे और मेरे पिताजी के कातिलों की तलाश मेरी जिंदगी का मकसद था, तो दूसरी तरफ मेरी सगी माँ और मेरी जुड़वा हमशक्ल बहन की तलाश का। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि उसने मेरी पहचान लेकर आत्मसमर्पण क्यों किया।